मानसिक रुग्णों को घर में रखना बहुत बार संभव नहीं होता है, उसके अनेक कारण हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, वो जानकारी मैं आज आपके सम्मुख देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक शोक सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने एक स्पेशली हॉस्पिटल बनाया हुआ है जहाँ जो मानसिक रुग्ण है, जो कंट्रोल में नहीं होते, मारपीट करते, धूमधाम करते, गाली गलौज कर रहे, वायलेंट है, या घर में उनको रखना मुश्किल है, मकान छोटा है, या उनका इलाज करना है मगर घर के लोग उनके साथ में रह नहीं सकते हैं, बहुत मारपीट करता है इसलिए भी डर लगता है, तो उनको लोग हमारे यहाँ लाते हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में हम उनको रखते हैं जहाँ हम अकेले पेशेंट को भर्ती करते हैं, उसका इलाज करते हैं और फिर उसको हम घर में भेज देते हैं। अभी यहाँ मेनली इलाज जो होता है वो होता है दवाइयों का, दवाइयाँ देते हैं ओरली, यदि वो दवाई लेने से इनकार करता है तो इंजेक्शन देते हैं, और उसके साथ साथ उसको दिन भर बिजी रखते हैं। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना, फिर मेडिटेशन, योगा, फिर टीवी देखना है, टीवी में न्यूज़ बताते हैं, उसके बाद में फिर एंटरटेनमेंट होता है, कुछ गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स, और बाद में उनको कुछ पढ़ाई का वक्त दिया जाता है, दोपहर का खाना, बाद में फिर सम्मोहन उपचार, हिप्नोटिज्म, आनापान प्रक्रिया भी होती है, और फिर शाम को उनको खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है, वो खेलते हैं आउटडोर गेम्स, और बाद में आके खाना खा के सो जाते हैं। क्या होता है कि जो व्यक्ति घर में कंट्रोल में नहीं रहता है, घर के वातावरण में वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, हमारे यहाँ आने के बाद में बहुत सीधा हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको वातावरण नया लगता है, उसको मालूम है कि यहाँ सुन के लेने वाले नहीं है, वो अपने नहीं चला सकता है, तो इसलिए पहले से वो दब के रहता है, कुछ वो डोमिनेट करने की सोचता है, कोशिश करता है, मगर बाद में मालूम पड़ता है कि यहाँ चलेगा नहीं, और फिर वो साइलेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे लोग हैं कि जो घर में रखना मुश्किल है, हमारे यहाँ एकदम कम मात्रा में हम दवाई देते हैं, उसके ऊपर वो रह सकता है और उसका इलाज हो सकता है। यदि आपके इलाके में ऐसे कोई डेफिनेटली लोग होंगे कि जो बहुत दिनों से परेशान हैं, उनके रिलेटिव्स, उनको घर में रखना मुश्किल है, उनको बाहर गाँव जाने का है, उसको लेके नहीं जा सकते हैं, घर में अकेले रह नहीं सकते हैं, तो उनको हमारे यहाँ ला के दाखिल करवाएगा, उसको अच्छा करके लेकर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टाम उर्दू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।